जैसे कि थंबनेल पर आपने पढ़ा कि सस्ता घर कैसे बनाएं, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर पहले बना चुका हूं, वो भी लोड बेरिंग से संबंधित था और यह वीडियो भी लोड बेरिंग से संबंधित है, तो यह वीडियो उस वीडियो का पार्ट टू है। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा जिनके पास में अभी बजट कम है, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे उनके पास में पैसा आता है तो उस हिसाब से प्लानिंग करके आगे का काम वो बाद में भी करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के मकान का कंस्ट्रक्शन करना हो तो मैं आपको सही जानकारी दे सकता हूँ, आप इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक ठेकेदार हूँ और पिछले 23 सालों से मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ। और मैंने कई ऐसे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काम किया है जिनके पास में शुरुआत में पैसा कम होता है, लेकिन भविष्य में उनके पास में पैसा आने के आसार होते हैं, तो वो उस हिसाब से भविष्य के हिसाब से अभी मकान बनाते हैं और बाद में उसका काम पूरा करवाते हैं। तो आज का वीडियो भी इसी पर आधारित है। वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर आपका कोई सवाल मन में रहता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। और मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी आप स्क्रीन पर जो ये घर देख रहे हैं, यह मकान भी लोड बेरिंग पद्धति से बनाया हुआ है। ऐसा मकान अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में बनाते हैं और उसका स्क्वायर फुट का एरिया 1000 के आसपास होता है, तो आप भी 4 से 5 लाख रुपया बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 से 5 लाख रुपया बचाने के चक्कर में आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले जब हमारे पास में सीमेंट नहीं हुआ करती थी, तब हम इसी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से मकान बनाते थे। तब हम सीमेंट की जगह चिकनी मिट्टी और चूने का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज यह लोड बेरिंग मकान हर स्टेट में, हर शहर में और हर गांव में बनाना आसान हो गया है। बिकॉज आज हमारे पास में बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसलिए किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे पास में चूने की जगह सीमेंट है, और सीमेंट तो हर गांव, शहर और स्टेट में मिलती ही है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वाली पद्धति से मकान बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। और वो चीजें आपके आसपास में या आपके गाँव या शहर में मिलती है तो समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले है और आप लोड बेरिंग वाले पद्धति से घर बना सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके पास में जमीन पथरीली होनी चाहिए या फिर रेगिस्तान वाली रेतीली जमीन होनी चाहिए, या फिर आपकी जमीन के नीचे 3 से 4 फुट नीचे पीली मिट्टी होनी चाहिए, तब ये मकान आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जमीन कादव कीचड़ वाली है या फिर ऐसे एरिया में है जहां पर 12 महीनों बरसात होती रहती है, तो यह लोड बेरिंग वाला मकान बनाना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस मकान में कहीं पर भी बीम या कॉलम नहीं होते, जिसके कारण दीवारों में दरारें पड़ सकती है या फिर यह मकान धीरे धीरे जमीन में धंसना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि पूरी छत का वजन सभी दीवारों पर ही होता है, इसीलिए इसकी दीवारें 9 इंच से कम नहीं बनानी चाहिए और इसका फाउंडेशन भी कम से कम 24 इंच का तो होना ही चाहिए। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वाला मकान बनाने के लिए हमको दूसरी इम्पोर्टेड चीज की जरूरत पड़ती है, वो है पहाड़ी पत्थर। ये जो पहाड़ी पत्थर आप देख रहे हैं, इस प्रकार के पहाड़ी पत्थर अगर आपके आसपास मिलते हैं तो आप लोड बेरिंग वाला घर आराम से बना सकते हैं, क्योंकि जब हम लोड बेरिंग वाला घर बनाते हैं तो इन्हीं पहाड़ी पत्थरों का मकान में फाउंडेशन तैयार किया जाता है। कम से कम इसकी नींव में इन्हीं पत्थरों की चुनाई करनी जरूरी है और जमीन से 3 या 4 फुट तक आप इन्हीं पत्थरों की चुनाई करनी चाहिए, और हो सके तो इसको फुटिंग लेवल तक इस पत्थरों का आपको चुनाई करते रहना चाहिए। इसके बाद आप लाल ईंट यूज कर सकते हैं अथवा आप ये वाले फ्लाई एश ब्रिक भी यूज कर सकते हैं। अगर इन ईंटों का भाव ज्यादा है तो आप ये वाले होलो ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपके शहर में कौन सी ईंट का कितना भाव है और कौन सा ब्लॉक सस्ता मिल रहा है। जो भी ब्लॉक या ईंट आपके यहाँ पर सस्ती मिलती है उसी का आप उपयोग कर सकते हैं। पत्थरों का हमने फाउंडेशन भी तैयार कर लिया, हमने ईंटों की दीवार भी बना ली, लेकिन अभी हम छत पर क्या डालेंगे। अगर आपके यहाँ पर पत्थर के ये वाले स्लैब मिलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि छत पर आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा।
ऐसे पत्थर की पट्टियां आपको पहाड़ी और पठारी इलाकों में आसानी से मिल जाती है। राजस्थान में ये पत्थर आपको जोधपुर और कोटा में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके यहाँ पर ये स्टोन स्लैब नहीं मिलते हैं तो डोंट वरी, आप लोड बेरिंग वाले मकान पर कंक्रीट सीमेंट का आरसीसी वाला स्लैब भी डाल सकते हैं। जी हाँ, आप उस पर स्लैब की ढलाई भी कर सकते हैं। रमेश जी, घोड़े का भी कमेंट आया था कि सर लोड बेरिंग वाले मकान पर स्लैब भी डाल सकते हैं क्या? हाँ जी रमेश जी, आप लोड बेरिंग वाले मकान पर सीमेंट कंक्रीट वाला स्लैब भी डाल सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट वाला स्लैब डालने के बाद अगर आप दूसरी या तीसरी मंजिल भी बनाना चाहते हैं तो भी आप आराम से बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको भी दो या तीन मंजिला मकान बनाना है लेकिन अभी बजट कम है तो कोई बात नहीं, भविष्य में जब भी आपके पास में पैसा होगा तो आप मकान बनवा सकते हैं। इसके लिए लोड बेरिंग वाले मकान को बनाते समय आपको शुरुआत में ही कुछ बदलाव करने होंगे। इसके लिए आपको तीन जगह आरसीसी बीम डालना होगा। पहला बीम आपको फुटिंग लेवल पर डालना होगा, दूसरा बीम आपको लेंटर लेवल पर डालना होगा, यानी हमारे जो खिड़की और दरवाजे होते हैं उनके ऊपर होना चाहिए, और तीसरा बीम आपको सीलिंग लेवल पर डालना होगा और उसके ऊपर आप स्लैब भरते हैं तो आपके मकान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर भविष्य में दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल भी बनाना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार का मकान बनाते समय हम कहां कहां पर और कैसे पैसे की बचत कर सकते हैं। बारी और दरवाजों की चौखट में लकड़ी की जगह आपको पत्थर या ग्रेनाइट की फ्रेमिंग करवानी चाहिए। आजकल 90% घरों में इन्हीं जोधपुरी पत्थरों या फिर ग्रेनाइट की पत्थरों से फ्रेमिंग की जाती है, और करें भी क्यों ना, क्योंकि ना तो इसमें कोई दीमक वगैरह लगती है और ना ही कोई इसमें मेंटेनेंस आता है, और मजबूती के साथ साथ यह फ्रेमिंग काफी सुंदर भी होती है। और अभी आपके पास में ज्यादा पैसा नहीं है तो फ्लोरिंग, किचन, लाइट, प्लम्बिंग और ये कलर वगैरह का काम आप 2-4 साल बाद में भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम 2 बेडरूम, हॉल, किचन या टॉयलेट बाथरूम, यानी कि 1,000 स्क्वायर फुट का अगर हम घर बनवाते हैं लोड बेरिंग वाले स्ट्रक्चर की पद्धति से घर बनवाते हैं तो इसमें हमको कितना पैसा डालना पड़ेगा, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि अगर आप यह लोड बेरिंग वाला घर 1,000 स्क्वायर फुट में बनाते हो जिसमें 2 बेडरूम, 1 हॉल, किचन, ओटला, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा हो तो इसका कंप्लीट खर्च आपको 12 लाख रुपया तक हो सकता है। और इतना ही बड़ा घर, इतनी ही फैसिलिटी वाला घर अगर आप आरसीसी वाली फ्रेम स्ट्रक्चर में करते हैं तो इसका खर्च 15 से 17 लाख रुपया तक हो सकता है। अब यह आपको तय करना है कि आपको लोड बेरिंग वाला घर बनाना है या फिर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वाला घर बनाना है। कीमत मैंने आपको दोनों की बता दी है। लोड बेरिंग वाला घर अगर आप 1000 स्क्वायर फुट में बनाओगे तो लगभग 12 लाख रुपया कंप्लीट हो जाएगा, और वही अगर आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो 15 से 17 लाख रुपया आपका हो जाएगा। और अगर यही बात मुझसे पूछेंगे कि सर मुझे लोड बेरिंग वाला घर बनाना चाहिए या फिर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर वाला घर बनाना चाहिए, तो मैं तो आपको इतनी सलाह दूंगा कि अगर आप मध्यम परिवार से हैं और आपके पास में अभी 5 से 6-7 लाख रुपया पड़ा है तो आप लोड बेरिंग वाला घर बनाना शुरू करिए, और जब ये मकान आधा कंप्लीट हो जाए यानी छत वगैरह का काम हो जाए तो आप उसमें रहना शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके पास में फिर पैसा आता है तो आप पैसे के हिसाब से आगे का काम करवा सकते हैं। और अभी आपको घर कंप्लीट करना है तो बाकी के पैसों का इंतजाम आप लोन लेकर भी कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री आवासीय योजना में भी आप आवेदन कर सकते हैं, वहां से भी आपको 2.5 से 3 लाख रुपए की मदद हो सकती है। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए और थोड़ा थोड़ा काम करवाइए, 4 से 5 सालों में आपका घर कंप्लीट हो ही जाने वाला है। वैसे आप जानते ही होंगे कि एक अच्छा, सुंदर और मजबूत घर बनाने के लिए अच्छे कारीगरों और ठेकेदारों का कितना अहम रोल होता है। अगर आपको अपने लोकल एरिया में अच्छे ठेकेदार या मिस्त्री नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.contractorg.com पर आप जाकर वहां पर अच्छे ठेकेदारों से संपर्क कर सकते हैं और उनसे एस्टीमेट ले सकते हैं, अथवा आप हमारी कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और ठेकेदारों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।
कंपनी आपकी मदद जरूर करेगी। और यह जो सर्विस है वो एब्सोल्युटली फ्री है। आगे मैं घर निर्माण से संबंधित और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं यह बताऊंगा कि कम खर्च में अच्छी क्वालिटी के साथ एक सुंदर घर कैसे बनाया जा सकता है। आप मेरे टच में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई संकोच है, शंका है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।